हमीरपुर के गांधी चौक में जीबीटी प्रशिक्षुओं ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रशिक्षु छात्र छात्राओं का कहना है कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की टीईटी अधिसूचना को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लिहाजा यह प्रदर्शन भी इस अधिसूचना के खिलाफ किया गया है। जेबीटी संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहित ठाकुर व राज्य महासचिव जगदीश की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि जेबीटी टेट भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भी एंट्री दी गई है, इसका जेबीटी प्रशिक्षु विरोध कर रहे हैं। जेबीटी व डीएलडी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रशिक्षुओं का कहना है कि बीएड डिग्री धारकों की एंट्री से जेबीटी डिग्री धारकों की दिक्कतें बढ़ी हैं। ऐसे में जेबीटी व डीएलडी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ जेबीटी प्रशिक्षु और जेबीटी व डीएलडी संघ न्यायालय में जाने को तैयार है। इस दौरान जेबीटी और डीएलडी प्रशिक्षु ने मांग की है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनका कक्षाओं के बहिष्कार का क्रम इसी तरह जारी रहेगा। धरने प्रदर्शन में 2-3 कॉलेजों के बीएड व डीएलडी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। मेरा नाम मोहित ठाकुर है और मैं प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी यूनियन का। जो आज का हमारा धरना प्रदर्शन हमीरपुर में था, पिछले कुछ दिनों पहले से हम पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन जो है हमारा एसपी बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाती है, जिसमें जो है बीएड वालों को जो है एलिजिबल किया जाता है टेट कमीशन के टेट के लिए। तो इसके विरोध में हमारा जेबीटी स्टूडेंट्स का ये धरना प्रदर्शन है और पूरे प्रदेश भर में ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते। ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जो है एचपी बोर्ड वापस नहीं लेता है तो हमारा हाई कोर्ट में जाके हम इस नोटिफिकेशन के तहत जो है स्टे लेंगे, क्योंकि जो है 2018 की नोटिफिकेशन जिसके तहत जो है एचपी बोर्ड ने इनको बीएड वालों को एलिजिबल किया गया है, वो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है क्वेश कर दी गई है और जो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना मामला ये चला हुआ है और हाई कोर्ट में भी ये मामला भी विचाराधीन है। आपको क्या लगता है कि इस नोटिफिकेशन से आपके हकों पर डाका डाला जा रहा है? देखिए, इस नोटिफिकेशन जो है जेबीटी का हक छीना जा रहा है। एक तरफ तो प्रदेश भर में 12 डाइटें चल रही है, हर जिला में एक एक डाइट है और पूरे प्रदेश भर में इतने सारे जो है हमारे क्या कहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और पिछले 4 सालों में जो है एक बार ही जेबीटी की भर्ती होती है, जिसमें भी जो है बीएड वालों को एलिजिबल किया जाता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में जो है जेबीटी स्टूडेंट्स का जो है टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बीएड वालों को आप एक इलीगल नोटिफिकेशन के तहत जो है एलिजिबल करते हैं। ये जो एचपी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसकी अधिकारियों की तरफ से बार बार गलती की जाती है। 2018 में जो है कमीशन का पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट भी जो है 2022 में जाके निकलता है। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद जेबीटी जो है इसमें जीतता है और आने वाले समय में भी ये नोटिफिकेशन जो है एचपी बोर्ड को वापस लेनी होगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।